इस वक्त ये सैयद किधर खड़े हैं और तू किधर खड़ा है। हजरत सैयदुना मुहियुद्दीन इब्ने अरबी शेख अकबर रदियल्लाहु ताला अन्हु, आपने फरमाया था कि अगर तुमने अपने आप को चेक करना हो कि मैं किस जगह खड़ा हूं, तो तुम रसूल की आल के अफराद को देखो कि वो तुमसे कितने करीब है और कितने दूर हैं। मैं यहां जो सादात बैठे हैं और जो मुझे सुन रहे हैं, मैं उन्हें खुदा की इज्जत की कसम देकर पूछता हूं, बताओ क्या उस बदबख्त के जुमलों से तुम्हें तकलीफ हुई है या नहीं हुई है? हुई है या नहीं हुई है? अगर औलाद को इतनी तकलीफ हुई है तो वालिद को कितनी तकलीफ हुई होगी। और तुम ये नारे लगाकर कह रहे हो बेगुनाह और बेखता, मैं इस नारे को भी नहीं मानता तुम्हारे इस मकाम पर। आप हैरान होंगे कि मैंने क्या कहा है। एक शख्स की बेटी की शादी हो रही हो और एक मौलाना साहब उसका निकाह पढ़ाने से पहले कहे, हजरात मैं चूंकि गांव के इलाके का मौलवी हूं और मैं यहां ऐलान करता हूं कि इनकी बेटी फलां 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 जुर्म से पाक है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तवज्जो फरमाइए कि एक शख्स किसी की बेटी के बारे में तंजी करे, मतलब यह कह के इनसे यह जुर्म भी नहीं हुआ यह जुर्म, बताओ बजाहिर वो साइड ले रहे के मुखालफत कर रहा है, बताए मुझे भाई, बजाहिर वो साइड ले रहा है ना, बजाहिर वो साइड ले रहा है कि जी वो तारीफ कर रहे कि इस बेटी से यह भी नहीं हुआ यह भी नहीं हुआ। मैं सवाल पूछता हूं कि उसी महफिल में उस बेटी का बाप, उसके भतीजे, उसके भांजे, उसके रिश्तेदार वोट के उसका गरेबान नहीं पकड़ेंगे, वो कहेंगे यार हमारी बेटी पे ये इल्जाम पहले लगाया किसने कि तुम्हें उसके तदारक करने की जरूरत पड़ी है। अब एक आदमी मसलन यही मौलाना साहब किसी जलसे में तकरीर के लिए जाएं और हमारे भाई तस्नीम साबरी साहब स्टेट सेक्रेटरी हों और वो खड़े होकर पहले कहें कि ये मौलवी जूती चोर भी नहीं, तवज्जो फरमाइए, वो कहें हजरात अब तशरीफ ला रहे हैं वो आदमी जो जूती चोर नहीं, तालबिल्मी दौर में इनसे कुछ वो भी नहीं हुआ, तवज्जो फरमाए, तालबिल्मी, क्योंकि हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया था हमारी मोहब्बत हर दिल में उतर सकती है, हमारी मोहब्बत हर दिल में डेरा डाल सकती है, लेकिन तीन लोग जो होते हैं ना उनके दिलों में नहीं जाती है। और फिर खुसूसी तौर पर फरमाया जो रजुले माकूस हो वो हमसे प्यार नहीं कर सकता, इसलिए या इल्मी दलाइल से पहले मैं कहता हूं जो मौलवी रसूल की आले बैत के हवाले से बेअदबी का इंतकाब करे और बेअदबियां करके डटे उसके बाद की संदे चेक करने से पहले उसकी तालिब इल्मी के दौर को पूछो। भाई साबरी साहब खड़े होकर अगर कहें कि ये मौलवी साहब बचपन में वो नहीं रहे, बताओ ये बजायर तारीफ कर रहे हैं या तोहीन, बजायर बजायर बोलो, बजायर तो तारीफ कर रहे हैं ना, कह रहे हैं जनाब, तो क्या उस मौलवी के चाहने वाले, उसके शागिर्द, उसके तलामिजा वो इस स्टेट सेक्रेटरी के जुमलों को बर्दाश्त करेंगे? भाई बोलो करेंगे नहीं करेंगे? वो कहेंगे हमारे उस्ताद को जूती चोर कहा किसने, हमारे उस्ताद पे ये इल्जाम लगा कब कि तुम्हें अब इसकी तंजी करने की जरूरत पड़ी। हम पूछते हैं कि इस पूरी कायनात में तुमसे पहले रसूल की बेटी पे उंगली उठाई किसने, तुमसे पहले उन्हें गुनाह पर कहा किसने, तुमसे पहले उन्हें खता पर कहा किसने? अरे जालिम खुद गुनाह और खता पर कहो और खुद नारा गड़ो, खुद बेगुनाह और बेखता कहो, और जिससे खता हुई ही नहीं है उसका नारा लगाने का क्या मतलब है? भाई अगर किसी